मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। किसान, गरीब, महिला, नौजवान, हर वर्ग के लिए अलग अलग वादे किए गए हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लाडली बहनों को पक्के मकान देने का भी वादा किया है। इसके अलावा हर एसटी ब्लॉक में मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया है। गरीब बच्चों के लिए 12वीं तक फ्री एजुकेशन देने की भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि दूसरे राजनीतिक दल वादा करो और भूल जाओ की राजनीति पर काम करते हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं होता। पार्टी मॉनिटरिंग कर इसे लागू कराने का काम करती है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संकल्प पत्र को जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना, इसने बच्चियों का जो विकास किया वो तो किया ही किया, लेकिन लाडली लक्ष्मी बहना योजना ने आज उसमें भी बहुत बड़ा अंतर लाने का काम किया है। और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड, इसके बारे में विशेष करके ध्यान दिया गया है। आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि आपका सेक्स रेशियो 956 पर 1000 है। ये हमारा सेक्स रेशियो बना है और हम एक अच्छी छलांग लगा करके हमने इसको हासिल किया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ करके किसानों को फॉर द फर्स्ट टाइम 12,000 रुपीज उनके सालाना, उनको किसानों को अपने इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए वह भी देने का काम किया है। कांग्रेस ने टिप्पणी की कि ये नरक चतुर्दशी के दिन भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र क्यों ला रही है। कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को भारत, भारतीय संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, इतिहास, इसका ज्ञान ही नहीं है। नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर, जिसने 16,000 रानियों को कैद कर रखा था, उसका वध करके उनको मुक्त कराया था। ये बहनों की मुक्ति का दिवस भी है, उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने का दिवस भी है। लेकिन दिक्कत ये कि इतिहास की पूरी जानकारी रहती नहीं है। हमारी एक बहन आती और भगवान राम को वो 13 सालों के लिए वनवास भेज देती है। कई बार वो कंस की पूरी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन कंस मामा कह देती है। मुझे लगता है इसके पहले, बोलने के पहले सोच समझ के उनको बोलना चाहिए। आज का दिन हम जानते हैं कि बहुत पवित्र दिन है, छोटी दिवाली है, और आज के दिन का जो शुभ संकल्प है हमारा, और सौभाग्य से नड्डा जी के हाथों संकल्प पत्र का विमोचन हो रहा है,